यूट्यूब की लाइन में अगर आप आओगे तो ऐसे भी एक हार्ड वर्क करना पड़ता है। और अभी मैं सो के उठा हूँ, मैंने सोचा कि और आज के इस ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों सुबह के बज रहे हैं 5 और हम जल्दी से उठ के जाने वाले हैं अपने काम के ऊपर, ताकि हमें ना दिन में हमें टाइम मिल सके और हम अपने ब्लॉगिंग को भी टाइम दे सकें। तो हम 10 बजे तक काम करेंगे और 5 बजे उठ के हम यहाँ से जाते हैं 10 बजे तक काम करने के लिए। तब सो के उठ गए, ये देखो देखो टाइम कितना हो रहा है। देखो अभी हम उठे थे 4:30, नहीं हाँ हम 4:30 उठे थे और मैं तो 5 बजे उठा हूँ और ये 4:30 बजे उठी थी। हमें काम के बीच में ना एक दिक्कत आई थी बहुत ज़्यादा, क्योंकि हम घर को मेंटेन नहीं कर पाए थे ना, क्योंकि खाना खुना बनाना और इतनी जल्दी आना 5 बजे, मतलब 6 बजे वहाँ पहुँचना होता है हमें। तो फिर वो 4:30 उठ के उन्होंने सारा खाना बना दिया घर का, जितना भी जिन्होंने खाना है अब बना के रख दिया और खा के चले जाए, हम बंद करके चले जाएँगे 15 के खा लेंगे। तो अभी हम बैठ के खाना खा रहे हैं 5:30 किसी ने शायद खाना खाया होगा सुबह के। पर देखो यूट्यूब की लाइन में अगर आप आओगे तो ऐसे भी एक हार्ड वर्क करना पड़ता है। और अभी मैं सो के उठा हूँ, मैंने सोचा कि ना यार इस मोमेंट को भी कैप्चर करना चाहिए, क्योंकि ये मोमेंट बहुत ज़्यादा नया है। ठीक है, तो देखो मेरा खाना मतलब बना दिया उन्होंने, मैं पार्क में बैठ के इसको खा लूँगा। और हमने सारे गैजेट अपने चार्ज पर लगा रखे हैं और एक से मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और ये कि मेरा आईपैड मेरे को याद नहीं आ रहा था काफ़ी दिन से कि चार्ज करना है। चलो 48% हो गया। अब ये मेरे कपड़े हैं, अब मैं इसको पहन के फिर यहाँ से जाऊँगा। तो दोस्तों हम जा रहे हैं काम के, ये देखो देख लो मैंने कैसा लग रहा है वेदर, वेदर देखो वेदर। दो आपने, 3 ले लिए। ये मैं अपने घर पे लेके जाऊंगी, इसमें थोड़ी मिट्टी लग गया है, ये खराब है, मैं 2 लेके जाऊंगी। ये मां है और ये दिखाना दिखाना है कितना हार्ड है। अरे मेरे को लगा ये थोड़ा हार्ड है। दोस्तों ये देखो ये फ्री में मुझे मिल गया, ये कैसा लग रहा है आप मुझे कमेंट में बताओ। और इसका नाम क्या है आप मुझे बताओ। इसका नाम है मुझे तो पता, दुर्री। अपने आप से रंगो पता क्या क्या नाम रखे। और आपने मेरे इस ब्लॉग में कई सारे देखे भी होंगे। तो दोस्तों ये वो नदिया है जिसका मैं सोच रहा था भरने पे कैसा लगेगा, ये तो देखो कैसा लग रहा है भरने पे। वाओ कितनी अच्छी लग रही है, लग रही है ना। सो हे गाइस, फाइनली अब हम आ गए हैं अपने काम पे। सुरकेश को तो मैंने छोड़ दिया काम पे और सामने बस उसके पार्क में बैठा हूँ। इस पार्क में ये देखो, ये रहा पार्क। और इस पार्क में आज की रिकॉर्डिंग मैं अपने माइक से कर रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ कि कितना फ़र्क पड़ जाता है माइक से रिकॉर्ड करने के बाद। ऑब्वियसली यार क्योंकि माइक से मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो अच्छी आवाज़ तो आएगी आएगी, ठीक है। तो फिर मैंने बोला आज की रिकॉर्डिंग सारी माइक से करते हैं। वैसे मैं इस माइक से पहले आईफोन जो मेरा पुराने वाला था उसमें मैं लगा के हमेशा रिकॉर्ड किया करता था, क्योंकि वो आवाज़ इतनी अच्छी तरह कैप्चर नहीं कर पाता था। सो गाइस आज के इस ब्लॉग में मैं शेयर करने वाला हूँ कि हम पहले जब काम नहीं किया करते थे और घर पर रहा करते थे, पूरा टाइम अपने YouTube को दिया करते थे, तो YouTube पे हम अपनी पूरी 100 मेहनत दे करके YouTube की वीडियो तो शूट करते थे और बनाते थे डालते थे, बट उसके ऊपर जब हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता ना तो हम डीमोटिवेट से हो जाते हैं। सो उसके बाद है ना बस फिर ये धीरे 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 हमारे अंदर काफ़ी ज़्यादा आलस आ रहा था, जिसके कारण हम YouTube के ऊपर भी टाइम नहीं दे रहे थे और 11 बजे तक सो के उठ रहे थे। और जैसे ही सुरकेश ने काम पकड़ा तो अब हम आप मानोगे नहीं 5 बजे उठ जाते हैं। और 5 बजे उठने के बाद हम सीधा इसको मैं यहाँ पे लेके आता हूँ, आधे घंटे का रास्ता होता है हमारे घर से यहाँ तक का। तो मुझे अच्छा लग रहा है कि हम अपने YouTube के साथ साथ अपने काम को भी टाइम दे रहे हैं। और मैं सबसे यही बोलना चाहूँगा कि जैसे कि जब आप फर्स्ट टाइम न्यू क्रिएटर हो और चैनल बना रहे हो, YouTube के ऊपर वीडियो डाल रहे हो, तो उस टाइम देखो आपकी कोई अर्निंग नहीं होगी उस टाइम। तो आपको कोशिश ये करना है कि आपको किसी जॉब के साथ उसको कंटिन्यू रखना है। अगर आपने ऐसी उसको फुल टाइम दिया और उस टाइम आपका कुछ नहीं हो रहा, देखो छोटे जो फर्स्ट टाइम जब छोटा
क्रिएट, जब हम चैनल क्रिएट करते हैं तो उस टाइम मेरे को पता है साल डेढ़ साल दो साल तक हमारी मेहनत ही होती है, हमारे पे कोई व्यू नहीं आ रहे होते, एक दो व्यू के अलावा हमारी वीडियो पे कोई व्यू नहीं आ रहे होते और कोई अर्निंग भी नहीं हो रही होती। तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप यूट्यूब के ऊपर वीडियो डालना स्टार्ट करो, बट किसी काम के साथ काम करो, ठीक है। जैसे यूट्यूब को पार्ट टाइम रखो और वीडियो डालते रहो, बस एक कोशिश करना कि आप उसके ऊपर रेगुलर रहना। देखो पार्क का नज़ारा कितना अच्छा लग रहा है, खूब मस्त लग रहा है ना, देखो। और हम अपनी वीडियो को एडिट कर रहे हैं, ये देखो इस कुर्सी पे बैठ के अपनी वीडियो को एडिट कर रहे हैं यहाँ पे। और भाई सच बताओ ना, मौसम बहुत मस्त सा बना हुआ है, और मैं क्या यार बारिश से बचने के लिए यही जगह अच्छी है, तो फिर मैं यहाँ आके बैठा हूँ। अब यहाँ पर मेरे को 10 बजे तक बैठना है, 10 बजे तक बैठने के बाद फिर यहाँ से छुट्टी हो जाएगी, फिर मैं जाऊँगा अपने इंस्टीट्यूट में। जाने के बाद फिर मैं मिलता हूँ। और प्लीज़ इस वीडियो को कैसा लगा लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बताना, अपना कमेंट भी करना। तो मिलता हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।